चल रहा है उत्तराखंड की धरती में यहाँ पे आए जो देवी देवताओं की धरती है उस पे यहाँ पे आए तो सबसे पहले मैं मंच पे बैठे हुए सभी का सम्मान करता हूँ और धरती का सम्मान करता हूँ। जितने भी हमारे नौजवान साथी आए हैं सभी किसानों का धन्यवाद है। मेरी माताएं बहने हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, पत्रकार बंधु सबका धन्यवाद है। वो जो यहाँ की कमेटी है उसने जो मंच का संचालन जो व्यवस्था करी है, मंच की साइड में बढ़ना चाहिए ये यहाँ पे देख रहे महिलाएं, तो उन सबका भी धन्यवाद। क्योंकि बहुत बार होता है कि मंच को हम दक्षिण दिशा में लगा देंगे और पब्लिक दक्षिण की तरफ मुंह करके देखेगी, उनके चेहरे पर धूप रहेगी और जो मंच पर बैठने वाले बैठे रहेंगे और फिर कहेंगे भीड़ कम है, भीड़ कम है। देखो मंच कहाँ लगाना चाहिए, ये है मंच की दिशा। सूरज नेता के आंखों में लगेगा तो एक तो मंच पर भीड़ कम होगी, पब्लिक की भीड़ पर पब्लिक बैठी रहेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मंच हमेशा ऐसे ही लगाना चाहिए। और खास करके जो मेरे नौजवान साथी है उसने इस आंदोलन को मजबूती दी है, इस आंदोलन उसका भी धन्यवाद है। एक चीज मैं और बोलना चाहता हूं, मेरे बहुत यहाँ पे लोग हैं, सबसे प्यारी चीज क्या होता है भाई, सबसे प्यारी चीज तो पुत्र होता है, उससे प्यारी चीज तो कुछ नहीं। हाथ उठाकर इसका समर्थन करते हो, हाथ हो सब यही है ना। मुझे एक बार हाथ उठा के और वो बता दो कि जिसने अपनी जमीन जितने थी अपने बालक के नाम कर लियो, वो हाथ उठा दियो। तो पुत्र से प्यारी जमीन, आपकी जमीन प्यारी है, पुत्र प्यारा है, तो ऐसा मतलब जमीन प्यारी है, लड़के से कोई संबंध नहीं आपका। यार वीडियो बना रही हूँ, प्रेस करो। तो भाई अब बात समझ में आएगी, अगर ज्ञान समझ में ना आया हो तो फेर ले लो। इसका मतलब लड़का प्यारा नहीं है, जमीन प्यारी है। कोई एक आदमी ये कहता होगा कि जिसने अपने जितने दिए अपनी जमीन लड़के के नाम करी हो, तो करता हुआ जमीन नाम नहीं कर लेगा। अरे ये अडानी अंबानी आ गई, ये क्या लग रहे हैं आपके, ये आपकी 20 साल में सारी जमीन ले जाएंगे, 20 साल नहीं लग रहे। जमीनों का क्या होगा वो आज खुलासा कर सकते हैं, खुलासा। अब आप ये लगा लो कि पूरी दुनिया को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक होगा चाइना रीजन और दूसरा होगा यूएसए अमेरिकन रीजन। अमेरिका को एक इस तरह का देश चाहिए जहां की जनसंख्या ज्यादा हो, जहां पे वो इंडस्ट्री खड़ी कर सके, उसके लिए सस्ती लेबर उसको चाहिए और वह चाइना के कंपटीशन में माल पूरी दुनिया में बेचना चाहता है। ये पूरा एजेंडे का फंडा है। हिंदुस्तान में जनसंख्या बहुत है, जनसंख्या गांव में रहती है, गांव से एग्रीकल्चर से किसानों को और नौजवानों को कैसे जमीन से अलग एक फंडा चल रहा है। यहां पर इंडस्ट्री लगेगी, जमीन न जाएगी, आप लेबर का काम करोगे, लेबर के लोगों में बदलाव कर दिया, लेबर के जो कानून है उसमें बदलाव कर दिए गए। यहां पर फैक्ट्रियां लगेगी, चाइना के कंपटीशन में पूरी दुनिया में वो माल बेचेंगे, आपकी जमीनों को ठेके पर ले जाए। यहां पर अगर 40,000 रुपए एकड़ का भाव है तो 60,000 रुपए एकड़ से शुरुआत करेंगे, आपको इतना तंग कर रहे हैं, आपको एमएसपी नहीं मिलेगा, आपकी फसलों के रेट कम होंगे, डीजल के रेट महंगे होंगे, 10 साल पुराना ट्रैक्टर आप चला नहीं सकते, लेबर आपके खेत में है नहीं, सीड भी ला रहा है, बीज का कानून आ रहा है, बीज आप दूसरा बो नहीं सकते, कंपनी आपको बताएगी कौन सा बीज बोओगे, बिजली पे कानून आ गया है, सीट पे कानून आ गया है, दोनों की पुलिस बनाएगी, महिला थाना बन गया, बिजली के कुछ थाने बन गए और बीच के थाने बनेंगे।
10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा, कितने बार लेट है 10 साल में ट्रैक्टर बदल देंगे? आप ये लगाओगे क्या बिजली का बिल नहीं देगा? दो पशु किसी के पास पहुंचे तो कोमर्शल कनेक्शन लेना पड़ेगा गांव के अंदर भी, पूरे गांव के गांव बर्बाद हो गए। आप जमीन ने छोड़ के वे बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, वे कहेंगी कि आप 40 में पड़े ने, हम आपका 60 देते हैं, 5-10% हर साल बढ़ाएंगे और 30 साल का 40 साल का एग्रीमेंट हो, 40 साल बाद में कोई खेती करेगा फिर इसमें? उनका टारगेट है 30 से 50 साल में इस पूरी की पूरी जमीन में केमिकल खेती करके इस पूरी जमीन को बंजर करना। खेत होगा आज से 60 और 70 साल बाद में शुरू, जो असली खेत है वो आज नहीं है, असली खेत तो 70 साल बाद में शुरू होगा, उसकी रूपरेखा आज बनाई जा रही है। उसके बाद में लेबर सस्ती होगी, आप सिर्फ फैक्ट्री में काम करोगे, खाने के लिए अनाज आपको बाहर से आएगा, यहाँ इससे बड़ी मार्केट कोई नहीं मिल सकती, इससे बड़े नौजवान कहीं नहीं मिल सकते, आपको नशे की तरफ धकेल दिया। ये होगा नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।